हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज आपके लिए खास क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, तो ये क्लिक कर दिया, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो रहा है। जैसे अब हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। क्यों यूज करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये शीट नंबर 2 पर हमारे पास कुछ डेटा है, चलिए उस डेटा को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वो डेटा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमें ये पता करना है कि कौन से मोबाइल फोन की रेंज सबसे ज्यादा आई है, मतलब कौन सा मोबाइल फोन सबसे ज्यादा बार यहाँ लिखा गया है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एक तो रेप्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिससे रिपीट होती है वैल्यू, आप वो नहीं लगाएंगे। यहां पर मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पे सबसे पहले हम लगा लेते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो ये लगा लिया इंडेक्स, अब हमको क्या करना है, ये रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। टाइटल को छोड़ करके ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे ही ये रेंज सेलेक्ट करेंगे तो फिर दे दीजिएगा कॉमा और फिर लगाइएगा मोड, ठीक है। मोड लगा दिया, फिर यहां लगाइएगा मैच, MATCH मैच, और जैसे ही मैच को लगाते हैं तो फिर आपको ये रेंज करनी होगी सेलेक्ट। ये एक बार रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, अब आपको एक बार और कॉमा लगा करके दूसरी बार रेंज फिर से सेलेक्ट करनी है। तो एक बार और चलिए इसी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सेलेक्ट कर लिया रेंज, अब हमें क्या करना है, यहां पर कॉमा लगाना है एग्जैक्ट मैच के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा है जीरो देते हैं, तो यहां जीरो दे देना है। अब पहला ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज और ये तीसरा ब्रैकेट क्लोज, ये करके आपको प्रेस करना है एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो सबसे ज्यादा बार कौन सा मोबाइल आया है, रेडमी का आया है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करके देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार आया है या नहीं। यहाँ पे एक बार रेडमी आया, ठीक है, अब देखते हैं और कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, ठीक है, और इसी तरीके से और कहाँ आया है, यहाँ पे आया है। फिर एक बार और चेक करते हैं, लाइक यहाँ पे आया हुआ है, फिर यहाँ पे आया हुआ है, नीचे इसके ठीक देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 बार रेडमी आया हुआ है। लावा का चेक करते हैं, लावा भी कई बार दिख रहा है, तो ये लावा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसको येलो कलर में हाईलाइट करता हूँ, ये लावा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं 3 जगह पर लावा आया हुआ है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और ये 4 ही जगह पे आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार रेडमी आया हुआ है, तो यहाँ पे रेडमी आपको दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, यूजफुल है, आप काम में ला सकते हैं इस भी फॉर्मूले को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।